हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐप्स के बारे में जो आपको आपके यूट्यूब थंबनेल एडिट करने और बनाने में मदद करेंगे। ये सभी ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो अब हमें प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपली सर्च करना है फोटो लैब। तो ये देख सकते हैं इसकी 4.4 की रेटिंग है, 2 मिलियन से ज़्यादा रील्स और 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है। तो इसे हमें ओपन कर लेना है। तो उसके बाद हमें ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रेजेंट पर यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। फिर हमें उसी 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी हमें इमेज चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो अब हमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें जो भी हम अपने थंबनेल पर लिखना चाहते हैं वो हमें लिख देना है। मैं सिंपल यहाँ पर नेम लिख दे रहा हूँ और इसको ओके कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नेम आ गया है। अब यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप आपका टेक्स्ट जैसे चाहे बड़ा या फिर घटा सकते हो। यहाँ पर ओके करके फिर हमें कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमको जो भी कलर चाहिए वो हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद हमें फ़ोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोन दिखाई दे रहे हैं, आपको जो सही लगे आपको उस पर क्लिक करना है। तो मैं ये फ़ोन सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो इसे आप मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें इमेज ऐड करना है, उसके लिए हमें इनपुट पर सेलेक्ट करना है। आपको जो भी इमेज ऐड करनी है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये इमेज ऐड कर ली है, इसको मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। तो देख सकते हैं ऐसे थंबनेल आप फोटो लैब से बना सकते हो। तो ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करके आपको इमेज सेव एज इमेज करना है और यहाँ पर सेव टू गैलरी कर देना है। तो दूसरा ऐप है काइन मास्टर। ये ऐप बहुत लोग यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इजी है। तो उसके हमें सिंपल से ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो आपको 16:9 पर क्लिक करना है। तो ये ऐप आ गए हो काइन मास्टर के होम पेज पर। अब आपको मीडिया पर सेलेक्ट करना है और अपना बैकग्राउंड चूज कर लेना है। मैं यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ओके कर देना है। अब आपको लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करके फिर से कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर रेड वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और ओके क्लिक करना है। तो मैं यहाँ एक और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, वाइट वाला। तो इसको आप क्रॉप करने के लिए क्रॉपिंग के ऑप्शन पर जाके मास्क ऑन करके आप अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हो और बाद में इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड कर देना है और ओके क्लिक कर देना है। अब आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए लेयर पर जाके टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो आपको लिख देना है। तो इस वाले आइकन को क्लिक करके आपको कलर चूज कर लेना है। अब आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके आपको जो भी फॉन्ट चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसको ओके कर देना है और अपने हिसाब से साइज को एडजस्ट कर देना है। तो उसके नीचे आपको और भी कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको शेडो का ऑप्शन दिखा रहा है, इसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर नीचे ग्लो का ऑप्शन दिखा रहा है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। उसके नीचे आउटलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको आप इनेबल या फिर डिसेबल अपने हिसाब से कर सकते हो। नीचे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ और टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब हमें इमेज ऐड करने के लिए लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और इमेज सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें इस इमेज को एडजस्ट कर लेना है और ओके कर देना है।
तो लास्ट में हम अब अपने डेस्क को एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर अब अपनी खुद की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर नहीं किया है, बट आप अपनी फ़ोटो एडजस्ट कर सकते हो। तो फिर आपको इस आइकन को क्लिक करके कैप्चर एंड सेव इमेज पर क्लिक करके आपके इमेज सेव कर सकते हो। तो थर्ड ऐप है पिक्सआर्ट। तो देख सकते हैं इसकी 4.2 की रेटिंग है और इसके 500 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है। तो इसको हमें ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें प्लस वाले आइकन को क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने बैकग्राउंड की साइज सेलेक्ट कर लेना है। उसके लिए हमें फिट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें रेशो पर क्लिक करना है और अपने बैकग्राउंड का रेशो सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो अब हमें इमेज ऐड करने के लिए ऐड फोटोज पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जो भी इमेज ऐड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना है। तो अब हमें स्टिकर के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत से स्टिकर मिल जाएंगे। आपको जो भी स्टिकर ऐड करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने थंबनेल पर जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोन की मदद से जो आपको फ़ोन चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो भी कलर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करके सेव कर देना। तो गाइस ये थे 3 बेस्ट थंबनेल एडिटिंग ऐप्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको किसी नए कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड डे।